हाई गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आई होप यू आर डूंगाइन और आज मैं करने वाली हूँ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोज मुझे काफी ज्यादा कॉमेंट्स आ रहे थे टू मेक अ वीडियो ऑन अफोर्डेबल मेकअप तो आज की वीडियो में हम मेकअप नहीं करने वाले आई विल जस्ट बी रिकमेंडिंग प्रोडक्ट्स अंडर फाइव हंड्रेड रुपीज़ जो कि बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हैं और अगर आपने अभी तक ट्राई आउट नहीं किया है तो यू आर रियली मिसिंग आउट ऑन सम अमेजिंग प्रोडक्ट्स। बट येस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग सम ऑफ द प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं अंडर फाइव हंड्रेड रुपीज़ क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन भी आ रहा है तो आपके बहुत काम आने वाली है वीडियो जरूर इंट तक देखना एंड इफ यू न्यू डू माई चैनल टेक आर अमोमेंट हिट दैट रेट सब्सक्राइब बटन नाउ विदाउट एनी फर्दर ब्लैबरिंग डाइव राइट इन टू द विडियो सारे प्रोडक्ट्स की एम आर पीस यहाँ पे दे दूंगी एंड लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सो इफ यू वांट टू चेक एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आउट फील फ्री टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो तो चलो फटाफट से स्टार्ट कर लेते एकदम रैंडम ऑर्डर में होने वाला है तो सबसे पहले मेरे पास है ये मार्स का ट्रेंड सेटर लूज पाउडर ये वन ऑफ द बेस्ट पाउडर्स है अभी इन द मार्केट इवन आई यूज इट ऑन लाइक ब्राइडल मेकअप्स एंड ये बहुत अच्छा स्टे करता है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है दिस वन इज इन देरियंट बनाना बट इसमें दो तीन वेरियंट आते हैं मैंने इसका ट्रांसलूसेंट वाला खत्म कर चुका है एंड दिस इज द बनाना वाला कि जो शेड है ना इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर मीडियम टू डस्क स्किन टोन मतलब बहुत ज्यादा येलो भी नहीं है ये सो येस इट इज़ अ वेरी फाइनली मिल्ट पाउडर बहुत अच्छे से आपका मेकअप मैटिफाई कर देता है एंड काफी लंबा टाइम आपके मेकअप को लास्ट कराता है नेक्स्ट वी हैव अ ब्लश स्टिक फ्रॉम ब्लू हेवन इट इज देयर किस एंड ब्लश लिप एंड चीक टिंट एंड दिस इज इन द शेड रोजी डस्क एंड दिस इज वॉट दिस शेड लुक्स लाइक ये काफ़ी ज्यादा अच्छा है एंड बहुत ही ज्यादा इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट है एंड फॉर दैट दिस शेड इज वेरी वेरी प्यूटी ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं है इट हैज़ दैट हाइड्रेटिंग फैक्टर टू इट एंड ये लिप्स पे तो मैं उतना ज्यादा नहीं यूज़ करती हूँ बट एज अ क्रीम ब्लश दिस इज ब्यूटिफुल एंड प्लस लुक एट दिस शेड ये शेड बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इंडियन स्किन टोन्स पे सो डेफिनेटली इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर अ क्रीम ब्लश अंडर अ बजट यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वन आउट एंड अगर आपको ब्लश स्टिक नहीं चाहिए सो यू कैन चेक आउट दिस वन दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी का क्रेज काली एंड लुक एट दिस दिस शेड 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 इट इज इज एब्सोल्युटली स्टनिंग मुझे ये ये वाला बहुत ज्यादा पसंद है इन द पिंक जेली एंड काफी ज्यादा सुंदर पिंक कलर है एंड ये बहुत ही ज्यादा क्रीमी है बहुत हाइड्रेटिंग है इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाता है एंड इट स्टेज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम तो ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है एंड प्लस इट इज जस्ट फॉर थ्री हंड्रेड रुपीज मतलब ये बहुत ही ज्यादा इनएक्सपेंसिव

प्लपेटअप ग्लॉस दिस वन इज इन द शेड जीरो एट डीप डिजायर बट इनके काफ़ी सारी शेड्स बहुत अच्छी हैं मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो किया था आप वो अभी चेकआउट कर सकते हो बट ये वाले लिप ग्लॉसिस बहुत ज्यादा अच्छे हैं बिल्कुल नॉन स्टिकी नॉन स्ट्रिंगी है एंड बहुत ही ज्यादा हाई शाइन है प्लस हाइड्रेटिंग है सो दे आर जस्ट अमेजिंग बट इट डज नॉट प्ल्प अप योर लिप्स वॉच बट या एज अ ग्लॉस इट इज़ वेरी वेरी गुड नेक्स्ट वी हैव अ क्रीम कॉन्टोर नाउ मुझे ना पाउडर से ज़्यादा क्रीम प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद है बिकॉज They give your face a very, very airbrush and that very flawless wala finish. So this cream contour palette from a uh, Makeup Revolution is amazing. This one is in the shade uh, medium. आई uh, थिंक इसमें और भी शेड्स आते हैं बट इसमें ना ये एक कॉन्टोर का शेड है एंड ये एक हाईलाइटिंग कंसीलर है ये थोड़ा सा कूल cool टोन है तो मैं उतना यूज़ नहीं कर पाती हूँ बट दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल कॉन्टोर शेड फॉर मी आपने मेरी काफ़ी वीडियोज़ में मुझे देखा होगा इसे यूज़ करते हुए इतने ज़्यादा ईजिली ब्लेंड होता है एंड द शेडो दैट इट गिव्स टू योर फेस एकदम चिजल स्कल्प्टिड लुक आप इससे अचीव कर सकते हो एंड इवन इफ यू वॉन्ट लाइक अ वेरी सटल कॉन्टोरिंग तो वो भी आप इससे अचीव कर सकते हो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो

मॉव डीप वाइन में एंड देन यू गेट अ ब्यूटिफुल पिंक ब्लशर योर एंड मिरर भी है तो आप अच्छे से मतलब ट्रैवल के टाइम पे एंड ऑल्सो इफ यू डोंट डू लाइक अ लॉर्ड ऑफ मेकअप यू आर यू कैन जस्ट कैरी दिस डू एंड यू आर गुड टू गो इवन मैन आई ट्रैवल आई कैरी दिस डू क्योंकि ब्लशर भी हो जाता है एंड देन यू कैन क्रिएट लाइक टू टू थ्री आई लुक्स फ्राम दिस पैलेट तो काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है बिट आई शेडोज टू शो यू क्योंकि आई शेडो इतना ज्यादा मैं रिकमेंड कर नहीं पाती हूँ बट ऑल ऑफ दिज आर

एंड ये बहुत ही ज्यादा अगर आप अपने आई लुक पे इसको लगाते हो ना इट गिव्स दैट वेट लुक एंड बिल्कुल भी ज़्यादा चंकी पाउडरी या बड़े बड़े ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं है एंड सबसे अच्छी बात है कि इसमें ना आपको बहुत सारी वेरायटी मिल जाती है शिमो शेड्स की अफकोर्स इट इज नॉट अ मैट पैलेट इवन इफ यू आर डूइंग लाइक स्मोकी आई तो उसके लिए भी आपको शेड्स मिल जाएंगे सो या इट इज अ वेरी वेरी गुड पैलेट डेफिनेटली चेक इट आउट अनदर अनादो पैलेट दैट आई हैव इज माई करंट फेवरेट एंड आज का पूरा लुक मैंने इसी पैलेट से क्रिएट किया है इवन द ब्लशर मैंने इसी पैलेट से अप्लाई किया इट इज द्यूटी का डुअल पासपोर्ट आई शेडो पैलेट फॉर फेस एंड आईज मेरे पास इसकेरियस इन दीरो पार्टी रेडी एंड ये इसके शेड है डीपर कलर है एंड इससे लाइट मेरे पास है जीरो टू डिनर डेट एंड दिस इज वॉट द शेड लुक लाइक आज मैंने ये वाला पैलेट यूज किया है इसके कलर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और सटल कलर है बट आपको दोनों ही पैलेट में एक सॉफ्ट ब्लश मिलता है एक डार्क

अच्छे से आपकी स्किन को स्मूथ कैनवस दे देता है टू तो वर्क ऑन सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर टू पिल जब आप उसको रब करते हो बट ये पिल नहीं होता है विच इज द बेस्ट थिंग एंड ये आपके मेकअप को काफी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देता है एंड सिमिलर इज अनादर प्राइमर विच इज़ फ्राम रैम्बल कस्मेटिक्स इट इज़ द्री इन वन प्राइमर मतलब ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं ये दोनों ही प्राइमर्स एंड इनके आई थिंक प्राइस रेंज भी सिमिलर ही है गैन इट इज़ अ सिलिकोन बेस्ड प्राइमर अच्छे से मेटिफाई करता है आपकी स्किन को ये उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट यू नो कैनवस दे देता है तो मुझे इनसाइट वाले से थोड़ा सा ज़्यादा ये वाला पसंद है एंड इट इज़ सच एन एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट एंड आई डोंट नो वाई पीपल डोंट टॉक अबाउट दिस प्राइमर बट अंडर अ बजट इट इज़ सच अ गुड प्राइमर की ये मतलब आपके मेकअप को बहुत अच्छे से टिका देता है लास्ट प्राइमर दैट आई हैव इज दिस वन फ्रॉम रिकॉर्ड ये मेरी वैनिटी में अभी नया एडिशन है दिस इज द एस ऑफ बेस रेडियंट प्राइमर द एस ऑफ बेस जो मैटिफाइंग प्राइमर है दैट वन इज़ लाइक वेरी वायरल सबको वो बहुत ज़्यादा पसंद है बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट इन लव विद दैट प्राइमर बट आई एम इन लव विद दिस वन ये उनका न्यू लॉन्च था द रेडियंट प्राइमर एंड दिस वन इज़ फॉर लाइक ट्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन टाइप ये बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग प्राइमर है एंड इट गिव्स अ वेरी वेरी सटल ग्लो टू योर स्किन तो ये काफी ज्यादा अच्छा प्राइमर है यू नो टू हाइड्रेट द स्किन हैव अ हाइलाइटर नाउ इट इज नॉट फ्रॉम एनी रिनाउंड ब्रांड ये एक लोकल ब्रांड है विच इज होजो ये एक चाइनीज ब्रांड है जो मैंने एमेजोन से मंगाया है एंड लुक एट दिस हाई इट इज ब्लाइंडिंग लाइक लिटरली इट रिफ्लेक्स लाइक लाइक नथिंग अदर एंडुलर यूर ऑल्सो मेरे पास है इन देंट जीरो गोल्ड इसमें दो शेड और आते हैं एक पिंक और एक सिल्वर ब्लाइंडिंग लुक एट दिस बट इट डज नॉट लास्ट यू वेरी वेरी लॉन्ग कंपेयर टू द अदर हाईलाइटर दैट आई हैव बट इसकी जो शाइन है ना वो बहुत अच्छी है एंड जब से मैंने इस प्रोडक्ट को खरीदा है तब से आप मेरी अगर वीडियोज अभी रिसेंटली देखोगे आई हैवन बिन यूजिंग एनी अदर हाईलाइटर अदर दिन दिस नेक्स्ट वी हैव अ कंसीलर पैलेट दिस इज फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक ये है उनका प्रो कंसीलर पैलेट एंड लुक एट द शेड्स हियर इसमें ना एक वेरिएंट और आता है जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कंसीलिंग और हाइलाइटिंग और कॉन्ट्रिंग के शेड्स मिलते हैं बट इसमें आपको कलर करेक्शन के लिए भी शेड्स मिल जाते हैं नाउ द प्राइस दैट इट कम्स फॉर इट इज अ गुड प्रोडक्ट है मेरे पास ये काफ़ी सालों से एंड स्टिल इट हैज़ ड्राइड आउट एंड लुक एट द कवरेज ये काफ़ी अच्छा कवरेज आपको दे देता है एंड ये बहुत ही ज़्यादा इजीली ब्लेंड हो जाता है इसके लिए तो आपको ब्रश या ब्लेंडर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यू कैन इजीली वॉक विद दिस प्रोडक्ट विद योर फिंगर्स आल्सो नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कंसीलर्स आई हैव टू रिकमेंड माय ओ फेवरेट विज ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर इट इज़ अ वेरी वेरी गुड कवरेज कंसीलर लाइक अ मीडियम टू फुल कवरेज नॉट अ फुल फुल कवरेज बट इट इज़ अ वेरी वेरी गुड कंसीलर फॉर द प्राइस दैट इट कम्स फॉर बस इसकी ना मुझे शेड रेंज से थोड़ा सा इशू है कि इसकी जो डार्केस्ट शेड है ना वो भी मेरी स्किन से एक टोन लाइट है सो लाइक अ मॉन्ट यू नीड टू डाइवर्सिफाई द शेड रेंज कंसिडरिंग आपका कंसीलर इतना ज़्यादा अच्छा है सो नेक्स्ट अनादर फेवरेट जो कि मुझे अभी स्विस ब्यूटी से भी थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आने लग गया है इज दिस वन अगैन फ्राम इनसाइड किस्मैटिक्स इट इज़ द एच डी कंसीलर एंड इट लुक्स एक्सपेंसिव इसको कितने सारे लोग तो टाट के शेप टेप के साथ भी यू नो कम्पेयर कर देते हैं बट द डो फोट एप्लीकेटर इज थिक एंड इट इज़ अ फुल कवरेज कंसीलर एंड ये इतना अच्छा कंसीलर है बहुत अच्छे से सेट हो जाता है एंड ये थोड़ा सा मैं स्किन क्लीनर डार्क आ गया एक दो शेड तो मैं इसको करेक्टिंग के लिए यूज़ कर लेती हूँ बिफोर माई फाउंडेशन एंड ओ माई गॉड द रिजल्ट दैट दिस वन गिव इज अमेजिंग वी हैव अ फाउंडेशन दिस इज द मामा अर्थ का ग्लो सिरम फाउंडेशन इसको मैं कितनी बार रिकमेंड कर चुकी हूँ इसकी बड़ी बॉटल भी आती है बट दिस वन इज अंडर फाइव हंड्रेड रुपीज़ तो अगर आपको ट्राई आउट करना है और इफ़ यू डोंट वेयर फाउंडेशन ऑन डेली बेसिस ये अच्छा साइज़ है क्योंकि ये अच्छा खासा टाइम आपको लास्ट करेगा मेरा तो खत्म ही नहीं हो रहा है ये बट येस इट इज अ गुड फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है एंड एकदम स्किन लाइक फिनिश है दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस फाउंडेशन की इवन इफ आई लेर इट अप ये की नहीं होता है मेरे फेस पे नेक्स्ट आई है एंड इवन मुझे स्विस ब्यूटी का भी मेकअप फिक्सर काफी पसंद है आई डोंट नो वे दैट इज बट दिस वन इज बेटर देन दैट यू कैन चेक दैट वन ऑल्सो आउट बट ये वाला उससे ज्यादा अच्छा है उसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो थोड़ी देर तक मुझे बहुत ज्यादा इरीटेट कर देती है इसकी फ्रेग्रेंस काफी माइल्ड है एंड ये आपके मेकअप को फिक्स कर देता है एंड योर मेकअप इज नॉट गोइंग टू मूव एनी सो मैंने यहाँ पे एक आई शेडोज वॉच किया एंड देन आई अप्लाइड दैट ओवर इट नाउ मैं बैक ऑफ द हैंड मैं बहुत जोर से रब कर रही हूँ बट बैक ऑफ द हैंड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आगे ऑलरेडी कलर है बट इट डिज नॉट मच व्हाट्स एवर यह आपके मेकअप को काफी अच्छे से मेल्ट करता है इट गिवस ए स्किन लाइक फिनिश एंड इट लॉक्स योर मेकअप फॉर सच अ लॉन्ग टाइम इट इज़ इम्प्रेसिव फॉर सच अ गुड प्राइस Uh, next we have this lash fixer from TAC. uh, जैसे कि मैंने बोला कि पहले मैं Miss Claire का lash glue use करती थी thi. and this one is I think 100 or 150 rupees expensive than that but ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा है if you are also using Miss Claire का lash glue stop it and get this one ये बहुत ज़्यादा अच्छा है and there is a difference जब भी Miss Claire का glue मैं use करती थी lashes ना यहाँ से उठ जाती थी corner से because that is the problem that we face right but आप एक बार इस glue को try करके देखो and your ज विल स्टिक्ड वो नहीं मूव करेंगी व्हाट्स एवर आप इतना ही नाच लो गो आपके लैशेज आगे पीछे कॉर्नर सेंटर कहीं से नहीं हटने वाली इट इज सच अ गुड ग्लू एंड देन वी हैव दिस गिल्लू लाइक अ टू वे जेल फ्रॉम आई मैजिक ये मैंने अमेजोन से मंगाया था या पता नहीं किसी और वेबसाइट से मंगाया था ये ऐसे जेली जेली से कंसिस्टेंसी है ट्रांसपेरेंट है जैसे पी एस सी का आता है न पी एस सी का टू वे जेल मुझे नहीं पसंद आ रहा है बिकॉज वेन एवर आई अप्लाई पिगमेंट ओवर द पी एस सी वाला टू वे जेल तो वो ना ऐसे रंबल हो जाता है रिंकली हो जाता है एंड इट इज़ नॉट लुक गुड एंड वो मैंने इतना महंगा खरीदा था एंड दिस वन इज एट अ फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस एंड ये इतना अच्छे से आपके ग्लिटर को या आपके पिगमेंट को अप्लाई करता है नेक्स्ट वी हैव अना द पाउडर दिस इज अ कॉम्पैक्ट पाउडर फ्रॉम मे बिलीज अब मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि रिसेंटली मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में इसको डिस्कस किया है जिस गो एंड गेट इट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पैक्ट पाउडर्स आउट देर एंड इसकी कैसे वरेज भी बहुत ज्यादा अच्छी है ऑन एन एवरी डे बेसिस यू जस्ट नीड टू अप्लाई अपलाई मॉइस्टराइजर टॉप इट अप विद दिस एंड यू गुड टू गो इट इज सच अ गुड प्रोडक्ट नेक्स्ट आई हैव सम फॉर यू तो ये जो आई मैजिक की है डार इन द डे वैन आई वॉटेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने इसको बहुत ज़्यादा महंगा खरीदा था बिकॉज आई वॉटेड फ्रॉम सम इंस्टाग्राम स्टोर बट अमेजोन से इस बार मैंने ये खरीदी है आई वॉट फोर और फाइव बॉक्स एट आई थिंक थ्री हंड्रेड समथिंग रुपीज ईच एंड माई गॉड वॉटर स्टील डील इट इज़ बिकॉज आपको थ्री हंड्रेड रुपीज़ में टेन पेयर ऑफ आई लैशेज मिल रही हैं एंड द आई लैशेज आर सच गुड क्वालिटी एंड मैंने अभी इतनी सारी वीडियोज़ में रिसेंट जो मेरा फेस्टिव कॉन्टेंट

फ्रॉम स्विस्ट ब्यूटी ये है उनका जेल काजल नाउ आई हैवन ट्रस्टेड आउट फॉर वॉटर प्रूफ एज सच बट ये बहुत ज्यादा इंटेंसली पिगमेंटेड हैज एन आई लाइनर इज वेल एंड नदर काजल दैट आई हैव इज फ्राम जैकलीन यूएस ए ये है उनका ब्राउन काजल इन द वेरियट मोका ब्राउन एंड इसका जो शेड है ना इट इज जस्ट दैट परफेक्ट ब्राउन कलर लुक एट दिस जब आपको ब्लैक यूज़ करने का मन नहीं है यूज़ ब्राउन इट लुक्स मोर सटल एंड इट जस्ट कम्प्लीट्स योर लुक ब्यूटिफुली अनादर काजल दैट नो वन टॉक्स अबाउट इज फ्रॉम हाफ एंड हाफ कस्मेटिक्स, ये है उनका एश ब्राउन कलर एंड दिस काजल इज सो यूनिक एंड सो डिफरेंट लाइक आप इस काजल को देखो इट इज़ अ ब्राउन कलर बट इट हैज़ शिमलिफ्ट रिफ्लेक्स विच इज अ अंप्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट टू मी बहुत ही ज़्यादा इसका कॉपरी कॉपरी से कलर है एंड आई आज मैंने अपने वॉटर लाइन पर यही लगाया है इट लुक्स तनिंग अगर आपने ये काजल नहीं चेकआउट किया है चेक इट आउट इवन ऑन ब्राइडल मेकअप्स इट लुक्स